इस्लामिक मे वी वन दिस इज़ मी सिथरा तो आज की वीडियो का टॉपिक है सम थिंग्स दैट मेक्स मी हैप्पी और आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना वो रूटीन ब्लॉग से हटकर है सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी सो so, प्लीज़ एंड तक पॉच कीजिएगा हम वन बाई वन हर स्टेप पर बात करेंगे अच्छा नंबर वन पर मैं बात करूँगी सेल्फ केयर हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको वो करके बहुत खुश होता है या उसको वो करना बहुत अच्छा लगता है तो डेफिनेटली बीइंग अ फीमेल बीइंग अ वमेन सेल्फ केयर करके या सेल्फ केयर करना बहुत अच्छा लगता है लाइक अपना ख्याल रखना अपनी स्किन का ख्याल रखना अपने बालों का ख्याल रखना तो यहाँ मैं जो है ना और फ्लेम की हेयर स्मूदी अपने बालों पे लगा रही थी ये बहुत अच्छी है और बहुत इंस्टेंट अपने आपके बालों को ना सिल्की स्ट्रेट स्मूथ शाइनी बना देती है सो मैं जितनी भी तारीफ करूँ बहुत कम है और सेल्फ केयर में सिर्फ ना ही के मास्क लगाना बालों की ऑयलिंग करना जाता बल्कि अपना अंदर से भी ख्याल रखना जैसे मल्टीवाइटामिन लेना दूध पीना या फिर यहाँ पे मैं सी सी थाउजेंड ले रही थी तो हर तरह की जो सेल्फ केयर है ना आई रियली लव टू डू और मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड द अदर थिंग विच मेक्स मी हैप्पी दैट इज़ शॉपिंग ऑफ कोर्स शॉपिंग करना मर्द हो या औरत तो मतलब बहुत अच्छा लगता है उसको अपने लिए कुछ भी ख़रीदना तो मैं चाहे स्किन केयर ख़रीदूँ अपनी हेयर केयर ख़रीदूँ या अपना जूता लूँ बैग लूँ मतलब हर चीज़ तो मेरी ज़ाती ज़िंदगी सेलिंग करती हो उसकी शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑफकोर्स बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही आपकी जो है ना दिल के करीब होती हैं जैसे मैंने uh, ये मंगवाया था और फिल्म का प्योर स्किन मेरी ऑयली इतनी प्रॉन स्किन है तो मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छा है सो आई थॉट लेट्स ट्राई कि कैसा है और साथ ही मैंने नवाज का जो है ना वो एक सीरम मंगवाया है ऑयल बैलेंस सीरम जो कि मेरी स्किन का जो ऑयल है ना उसको बैलेंस कर देगा सो so, अब बात करेंगे नमाज आ, मेरी नमाज की रूटीन बहुत ख़राब थी लाइक मैं नमाज शायद मैं ये कहूँगी कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ती थी बट अब मेरी नमाज की रूटीन अलहदुल्लह बहुत रेगुलर होती जा रही है और मुझे नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे नमाज़ पढ़ कर बहुत खुशी महसूस होती है मेरी जो अंदर की एक सेटिसफेक्शन है ना जो अंदर का एक सुकून है जो कि रूह का सुकून होता है कि आप सारा दिन अंदर से फ्रेश रहते हो कोई टेंशन आपके पास नहीं आती है कोई पेन कोई तकलीफ मतलब दुनिया की कोई चीज़ आपको जो है ना वो पिंच नहीं कर रही होती है तो नमाज़ मुझे बहुत ज़्यादा सुकून और ख़ुशी देती है मेरे माशाल्लाह दो छोटे बच्चे हैं तो मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ भी बनाना कुकिंग करना कोई नई चीज़ ट्राई करना कोई रेसिपी बना कर देना उनका काम करना स्पेशली उनके लिए कुछ कुकिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी जब मेरे बच्चे खाते वक्त मुझे थम्स अप करते हैं और जब वो बोलते हैं कि ममा इट्स यर इट्स टेस्टी मौसम मौसम की तब्दीली बाहर का आना सर्दियों का आना ख़जा का आना हवाओं का चलना और धूप में बैठना लाइक मुझे मौसम बहुत अच्छा लगता है और मैं मौसम को बहुत अंदर से फ़ील करती हूँ कुछ मौसम मुझे बहुत उदास करते हैं और कुछ मुझे रुला देते हैं और कुछ मुझे बहुत अजीब सी जो है ना वो ख़ुशी देती हैं तो मुझे धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है और मुझे बारिश को इन्जॉय करना बहुत अच्छा लगता है जब मौसम बदल रहा होता है लाइक अब जैसे फेबररी के बाद मार्च आएगा मतलब बाहर का मौसम आएगा मतलब इस तरह की चीज़ें तेज़ हवा का चलना तेज़ हवा का शोर मुझे बहुत अच्छा लगता है दरख्तों पर जब हवा होकर जाती है तो उन पत्तों की जो आवाज़ होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइक ये चीज़ें मुझे बहुत खुशी देती हैं नेचर मेरे बहुत करीब है और इसका कोई कनेक्शन मेरे दिल से है अच्छा नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा मेरा कुरान पाक पढ़ने का दिल करता है और मुझे नमाज में सुस्ती हो जाती है कभी ऐसा होता है कि नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता लेकिन ज़बरदस्ती उठती हूँ लेकिन कुरान पाक पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे कुरान पाक पढ़ने में कभी सुस्ती नहीं होती जब मैं नमाज़ रेगुलर करती हूँ तो कुरान पाक खुद मेरा रेगुलर हो जाता है और अलमदुल्ला मेरा सातवां पारा शुरू होने वाला है और इसके अलावा जो मैंने आपसे कुछ वीडियोज़ पहले भी मैं शेयर किया था कि मैं कुरान पाक हिफ़्ज कर रही हूँ तो अलहमदिल्ला मेरा अरबा पारा हो गया मैंने तीसवां जो पारा है ना उसमें छोटी छोटी सूरतें याद करना स्टार्ट की तो मेरा अरबा पारा हो गया और ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं अंदर से खुशी देती हैं अब इवन के मेरा और किसी तरफ़ ध्यान नहीं जाता जब आप नमाज और कुरान की एक अच्छी सी रूटीन बना लेते हैं ना तो आपको और चीज़ें जो है ना बेमायनी सी लगती हैं और जनाब नए कपड़े हर फीमेल की एक वीकनेस होती है कि उसको अपने लिए कपड़े ख़रीदना बहुत अच्छा लगता है तो मुझे भी अपने लिए जोड़ा ख़रीदना किसी कैर में ख़रीद लूँ कोई इवेंट का हो या इवन के आम जो रेगुलर शॉपिंग होती है हर मौसम की सर्दी गर्मी की मतलब बहुत ख़ुशी देती है तो जहाँ यहाँ पे मैं आपसे अपना खाड़ी का आउटफिट शेयर कर रही हूँ जो कि स्टिच होकर आ गया था और बहुत खूबसूरत लग रहा था इसकी छोटी छोटी जो है डिटेलिंग थी और ये वाले जनाब मोती मैंने ख़ुद इसमें ऐड ऑन किए थे तो शॉपिंग करना कपड़ों को सिलवाना उन्हें श्रिंक करना टेलर के यहाँ लेके जाना फिर जब वो सिलकर आते हैं उसको देखना प्रेस करना ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बड़ा फैसिनेट करती हैं मी टाइम मी टाइम जब से बच्चे हुए ना शादी हुई है ज़िम्मेदारियाँ आई हैं तो मी टाइम तो एक ख्वाब बन गया था लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना अपना जो वक्त है ना वो मिलता है और ये वाला वक्त मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है और इसमें लाइक फुर्सत से बैठ के चाय पीना हो गया अपने लिए कॉफ़ी बनाना मज़ेदार सी और या फिर अपने लिए ग्रीन टी बनाना और बड़े सुकून से बड़ी फुर्सत से परिंदों को देखते हुए मौसमों को देखते हुए हर चीज़ को फ़ील करते हुए पीना तो ये वाली चीज़ें मुझे बहुत खुशी देती हैं और मी टाइम में और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम आ जाते हैं जैसा कि कॉल पे अपनी आ, किसी सिस्टर से बात कर लेना या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेस्ट रहना और कोई नोवेल पढ़ लेना कोई अच्छी सी आ, इस्लामिक इन्फॉर्मेशन की बुक पढ़ लेना बुक रीडिंग करना और नॉवेल्स पढ़कर उसको फ़ील करना और किसी किरदार को इतना ज़्यादा अपने माइंड में जो है ना वो फॉलो करने की कोशिश करना और जैसा बनने की कोशिश करना ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी जो है ना देती हैं बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती हैं एंड ये वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और तस्किन देती हैं और हस्बैंड की वाड्रॉप सेट करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं हस्बैंड के तीन चार या चार पाँच सूट प्रेस करके हैंग कर देती हूँ ना और जब वो ऑफिस आने के लिए अपनी वाड्रॉप ओपन करते हैं और मतलब जो उनकी जरूर स्माइल होती है कि मुझे फील आ रहा होता है कि वो कह रहे हैं कि यूर आ गुड वाइफ और केयरिंग वाइफ और मतलब उनके पास ऑप्शन होती है कि वो कोई सा भी पिक करें अपनी मर्जी से चूज़ करें वो पहन कर चले जाएँ तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं अपने हस्बैंड के और भी छोटे छोटे काम अपने हाथों से करना और आजकल जो सबसे ज़्यादा करना अच्छा लग रहा है ना जो जो चीज़ मुझे बहुत खुशी दे रही है वो है वॉक वॉक की रूटीन मेरी सेट हो गई है हम लोग जो है ना हस्बैंड वाइफ रात को निकलते हैं जैसे ही बच्चे सो जाते हैं ना कभी दस बजे कभी साढ़े दस बजे ऐसे ही वो सोते हैं हम लोग निकल जाते हैं और तकरीबन फोटी मिनट की वॉक करते हैं तो वॉक करके जो मेरे अंदर एक सुकून और ख़ुशी और रिलेक्सीन होती है ना कि वॉक हो गई है और मतलब बॉडी को भी बड़ा सुकून आ जाता है बड़ी पुसकून सी नींद आती है मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है और शादी से पहले कभी मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ लिखा करती थी कभी कोई नज्म कभी कोई शेर कह दिया करती थी कभी आ, कोई एक लाइन कभी कथा लिख देती थी, थी और लिखना मुझे बहुत सुकून देता है लिखना जो है ना वो मेरी एक नेचर का हिस्सा है और ऐसे ही कभी मेरे हाथ में पेन आ जाए और ब्लैंक पेपर होना तो मैं कुछ ना कुछ लिख देती हूँ और मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ कसम से मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ और मैं बहुत क्रिएटिव हूँ कभी मैं आपसे शेयर करूँगी मेरी शादी से पहले की तीन से चार डायरीज़ मेरे पास अभी तक मेरी लॉकर में रखे हुए हैं और मेरी बहुत सारी नजमें और कुछ ऐसे ही साख्ता बेसाख्ता कहे गए शेर जो है मेरे पास मौजूद हैं और बस जिनको मैं खोलती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ मैं बहुत माजी में चली जाती हूँ तो खैर ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करना उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है फिर दूसरों के काम आना अच्छा लगता है दूसरों की खुशी में खुश होना बहुत अच्छा लगता है और लोगों की हेल्प करना और इसके अलावा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और सबसे बढ़कर कंटेंट क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है जो खुशी महसूस होती है ना कि आप जब कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं और जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो आई होप यू लाइक द वीडियो क्योंकि मैंने अपना कंटेंट थोड़ा चेंज करने की कोशिश की थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाओ और बेल आइकन को प्रेस कर दो और बी द पार्ट ऑफ माई लाइफ बी द पार्ट ऑफ माई यूट्यूब जर्नी अपना रखो बहुत सारा ख्याल मुझे दुआ में याद थैंक्स फॉर वॉचिंग बायज़